हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने घर में ठीक है और बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को पढ़ाई करे हुए। चलो आज हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए आपको क्या दिया गया है। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी पैसे की जरूरत है तभी जो है उसका हम प्रोविज़न यानी कि उसकी अरेंजमेंट हम कर ले। और रोल ऑफ फाइनेंस बिजनेस एंटरप्राइज में किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इवन फाइनेंस को बिजनेस की सक्सेस का की भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस कितना सक्सेस है, उसकी एक्टिविटीज़ कितने सक्सेसफुल तरीके से की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि उसमें फाइनेंस को कितने बेस्ट तरीके से जो है यूज़ किया जा रहा है। अब फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है हर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कि इसको आज हम एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में जो है पढ़ना शुरू कर दिया है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है हम मैनेजरियल प्रोसेस का वो पार्ट मान के चलते हैं जो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। और इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रोक्योरमेंट और उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना जो है वो शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ फाइनेंस अप्रोचेज टू फाइनेंशियल फंक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में 20th सेंचुरी में पढ़ा जाने लगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत बढ़ गया था और बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, एनवायरनमेंट में जो है वो चेंज हो रहा था। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के ईयर्स में समझा जाता था कि फाइनेंस का काम कहाँ तक है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड की अरेंजमेंट करने तक, तो उसमें अब चेंज होने लगा था। अब ये माना जाने लगा था कि फाइनेंशियल जो मैनेजर है उसको सिर्फ फंड ही अरेंज नहीं करना बल्कि उस फंड को एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज़ किया जाएगा वो भी यहाँ पर शामिल किया जाता था। तो इन व्यूज़ को देखने के लिए हमें दो अप्रोचेस जो है फाइनेंस फंक्शन की पढ़नी पड़ेगी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंस फंक्शन की क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कहाँ तक सीमित है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सुटेबल टर्म्स पे, सुटेबल सोर्सेज से हमने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये बस फाइनेंस फंक्शन में जो है इसका काम शामिल किया जाता था। फंड को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा ये इसके कार्य क्षेत्र से बाहर जो है माना जाता था। यहाँ पर तीन तरीके की जो है काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल एक तरीके से किया जाता था। क्या क्या? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, यूज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच फंड्स आर रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड सोर्स ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि इस अजम्पशन में ये माना जाता था कि फाइनेंशियल मैनेजर सिर्फ पैसा इकट्ठा करेगा, पैसे को यूज़ कैसे करना है वो इसके कार्यक्षेत्र से बाहर था और यही इसकी लिमिटेशन के रूप में जो है फिर मानी गई। कि यहाँ पर मोर एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा था? रेजिंग ऑफ फंड्स पे, फंड को इकट्ठा करने पर फोकस किया जाता था कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, कौन से सोर्सेज से जो है पैसा इकट्ठा करना है, यूटिलाइजेशन पे फोकस यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। इग्नोर किया जाता था किस चीज़ को? द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉरपोरेट सेक्टर। नॉन कॉरपोरेट सेक्टर जो हमारा है उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है उसी पर यहाँ पर फोकस किया जाता था। उसके अलावा सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है उन पर फोकस नहीं किया जाता था। मोर कंसर्न टू द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द फाइनेंस ऑन द अकरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट। फिर जो फाइनेंस इकट्ठे करने की बात थी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात थी, उसको भी स्पेसिफिक इवेंट्स पर सिर्फ प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, मर्जर, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके देखा जाता था। डे टू डे में जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको इग्नोर यहाँ पर किया गया। स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे कोई स्पेशल अटेंशन जो है यहाँ पर दी जाती थी। शॉर्ट टर्म रूटीन में जो हमें खर्चे अपने करने हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ये इसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस। मॉडर्न अप्रोच में